पानी के बिल्कुल सेंटर में है जल महल। हिमांशु भाई कर रहा है क्योंकि आप बहुत पका रही हैं, दर्द करेंगे सर हमारा। ओह रियली, बहुत दे रहे हैं टाइम लगे। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका सेकंड लोकेशन में, जयपुर के सेकंड लोकेशन में, जो हम जा रहे हैं रात को देखने, यानी कि शाम के बज रहे हैं 7:30 और हम अब जा रहे हैं घूमने। तो सोचो ये लोकेशन क्या हो सकती है, बताओ बताओ। वो है जल महल। जल महल और यहाँ की मसाला मार्केट। जल महल, जल महल यानी कि जो पानी के बीच में है महल, महल वहीं जाने वाले हैं। ठीक है, हाँ आप लोग भी चलिए हमारे साथ। हाँ, और उसके बाद कहाँ जाने वाले हैं, मसाला मार्केट। yes. जो उसी के पास है, मतलब स्ट्रीट बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे हम क्या खाएंगे, चाट पकौड़ी। यस, लाइट में व्यू देखो, हवा महल का खत्म। हवा महल है, मार्केट बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया। हाँ यार बहुत अच्छा बना रखा है लोगों ने, रात का चल रही इनका। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं वो दिखाऊंगा मसाला महल के बाहर, मसाला वो चौक के बाहर, वो लाइट वाला याद भी बहुत अच्छी है। यही तो खासियत है यहाँ पे, लाइट रात को मजा आता है यार। पूरे जयपुर में यार लाइटिंग बड़ी गजब कर रखी है, मतलब इन लोगों ने सजावट और भाई गजब। इसको देखे दिन में पता नहीं चलता, पर इन्होंने लाइटिंग लगा रखी है ना, लाइटिंग से इतना बढ़िया हो रखा है यहाँ पे। देखो पूरी मार्केट में लाइट, अच्छा दिखाता हूँ आपको, इधर भी सभी बाउंड्रीज पे लाइट लगा रखी है इन लोगों ने। ओ माय गॉड, बहुत प्यार लग रहा भाई, लाइटिंग से बड़ा प्यार लग रहा है यार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जल महल, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। जल महल मेरे जस्ट पीछे है, शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। बिल्कुल पानी के बीचों बीच है और उसके साइड से लाइटिंग हो रही है, लेकिन उसको दूर से ही मतलब इतना ब्यूटीफुल लगता है, और उसमें लाइटिंग इतनी होती है कि उसको देख लेते हैं। और इसकी स्पेशलिटी है कि इसका रात में ही व्यू कर पाते हैं, अच्छा मतलब लाइटिंग होती है तो उसमें है, हाँ अच्छा लगता है। तो लोग इस वजह से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी रेडियां लगी हुई हैं, सिर्फ इस वजह से यहाँ पर कस्टमर्स इनके बहुत आते हैं शाम को व्यू करने के लिए, जो बाहर से आते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, बहुत से और आउटसाइडर्स यहाँ पे कुछ ऐसे फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हो आप। इसके सामने भैया हैं, फोटोज वगैरह बता रहे हैं कि इस टाइप के फोटोज आप खिंचवा सकते हो, राजस्थानी कपड़े। और ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये है जल महल पीछे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट वाला पीछे है, यहाँ पे भी फोटो खींच सकते हैं। भैया कितने रुपये ले दो फोटो के, कैसे क्या चार्ज होता है, 50 रुपीज़ का एक ना? हाँ तो कपल में भी 150 रुपये का ही ना, हाँ कपल में 100 का है, 100 का डबल सेटअप हो गया ना सर, आपको भी डबल सेटअप। तो जो आप लाइट देख रहे हो यहाँ पे, ये साइड में बिल्कुल पानी पानी है, पानी के बिल्कुल सेंटर में है जल महल, और लाइटिंग लगा रखी है वहाँ पे, लोगों के लिए लगा रखी है, एक्चुअली लोगों को देखे रात में व्यू अच्छा मिले, विजिबल हो रात में, और बेसिकली रात को बहुत लोग आते हैं इसका व्यू लेने के लिए। और आप भीड़ में आपको दिखाता हूँ, भीड़ यहाँ पर बहुत है, लोग बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे, शाम को भीड़ बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पे, वीकेंड वैसे तो वीकेंड पे तो वैसे ही लोग आते हैं, तो इसको सिर्फ इसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं सेंटर में। मेरे को जिस जल महल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही सेम गुड्डू उदयपुर में भी है, अच्छा, पानी के बीच में भी। हाँ तो ये क्या है, एक मान लो बना हुआ तो पानी के बीच में है सर, पर ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली जल महल को देखने जयपुर आना, बहुत सारी और अदर प्लेसेस हैं यहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी ये, तो बिल्कुल लास्ट होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। या मैं कह रहा हूँ इसको और बेहतर बनाया जा सकता था, कि लाइटिंग वाइटिंग अच्छा कर दें, तरीके से कर दें कि बहुत अट्रैक्टिव लगे, ये तो बस लग रहा है कि कुछ एक घर टाइप का है, उसमें लाइट जल रही है, बस रात में लोगों को पानी, तो पानी लोगों समय में आता बस, है पता है क्यों आते हैं लोग, एक नाम है कि जल महल, जल महल है तो वही अगर मान लो होता है क्या ना, जैसे हम लोगों ने किया, हम भी तो आए जयपुर आए हैं तो चलो यार जल महल है, जल महल भी देखने आते हैं, तो वही कहानी होती है लोगों को, इसलिए यहाँ पे रश भी बढ़ जाता है लोगों का। और जैसे मैंने फोटोज दिखाए थे, तो उसमें जैसे अंकल आंटी को, इनको दादा दादी को ये कपड़े पहना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं इनके, इस तरीके से फोटोज क्यूट है। ये है राजस्थानी स्टाइल के कपड़े, टॉप वगैरह हैं 150 रुपए के, बड़े बड़े फ्रॉक्स, क्या बोलते हैं फ्रॉक बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉटन का है, लहंगा नहीं, अच्छा हाँ नहीं। मानसी जी
फोटो खिंचा करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ऐसा राजस्थानी वाला लुक आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम कैंपस में घूमने आए हैं, पूरा वही वाला एकदम राजा रानी वाला। कितना पैसा लिया है फोटो का? 50 rupees लिए है और ड्रेस भी उनका था, सब कुछ उनका था और एक बार में 50 rupees में आपका पैसा। हाँ जी, और वो हार्ड कॉपी देगा। हार्ड कॉपी देगा? यस। सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी भी लेना, दोनों चीजें मिलेंगी। अच्छा, यस, वेरी गुड। अब कितनी देर लगेगी उसको? आप भी बस 5 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट के बाद तो दे देंगे। क्योंकि आप बहुत पका रही हैं, दर्द करेंगे फिर हमारा। ओह रियली, बट बहुत दे रहे हैं। तो कल रात को हम आ गए थे जल महल घूम घाम के अपने होटल वापस, लेकिन हम इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि 2 दिनों के सोए हुए नहीं थे, तो हम झट से पड़ते ही बेहोश हो गए, सो गए खाना पीना खा के। तो यही बताने के लिए ये आज ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज से, कि बाय बाय, आपसे मिलूंगी, आपसे मिलेंगे मैं और मेरे हस्बैंड नेक्स्ट व्लॉग में, नई लोकेशन में। बी विद अस एंड डोंट स्टॉप वॉचिंग अवर जयपुर जर्नी। बाय बाय।